नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीर देवकन और आज सबसे बड़े दंगल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावों की कि जनता के मन में क्या चल रहा है। ऐसी ही बात करने के लिए हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद है जो खुद को उत्तर प्रदेश का बताती है, उत्तर प्रदेश की जनता का हमदर्द बताती है। हमारे साथ में है अन्ना दादी। आइए अन्ना दादी से बात करते हैं। ये बताइए अन्ना दादी कि यहाँ की जनता पिछले कई सालों से त्रस्त है, आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज ये जनता जानना चाहती है, आप बताइए इन्हें। देखिए, जहाँ तक यूपी की समस्या के बारे में बात है, इस चुनाव में हमने देखा है कि काफी बाहरी इलेक्शंस के लिए जब लीडर्स आते हैं। मैं समझ गया, आप बाहरी और भीतरी की बात कर रही हैं, जबकि जनता अपनी समस्याओं के बारे में जानना चाहता है। आप ये बताइए, जनता जो जानना चाहती है वो बताइए। प्लीज आप बताइए, आपके पास एक मिनट, आप बताइए। बताइए आप। जहाँ तक यूपी की समस्या की बात है, ये यूपी के व्यक्ति से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो कहने का मतलब आप यूपी के बाकी सारे लोग बाहरी हैं। आप बताइए, जनता जानना चाहती है, सही जवाब दीजिए। आप बताइए, बताइए जनता को, आप बताइए। एक मिनट है आपके पास, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट में बताइए आप। देखिए, मैं यूपी की बहू हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि यूपी महिला। मतलब कहने का मतलब आप ही बेहतर जान सकती हैं। ये जो यहाँ की जनता है, ये जनता क्या जानती है, इसके मन में क्या विचार चल रहा है? ये जनता जो त्रस्त है उसके बारे में आप बताइए, बताइए आप, बताइए आप, जवाब दीजिए, बताइए। देखिए, आप बताइए जनता को। देवगन जी, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगर नम्र निवेदन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो जनता की परेशानी है, जनता को जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपके पास एक मिनट, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप। अगर आप सुन, आप जवाब दीजिए। अगर आप मेरी बात सुनने की कोशिश, मुझे नहीं सुननी है, जनता को सुनिए, आप जनता को जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है, जवाब दीजिए जनता को। देखिए, जब आप ऐसे किसी फोरम में लोगों को इनवाइट करते हैं अपने ओपिनियंस रखने के लिए, तो आप अपना ओपिनियन रखिए, जनता के सामने ओपिनियन रखिए। आपके पास एक मिनट, आप बताइए, बताइए आप बताइए जनता को, बताइए आप, बताइए जनता को। काफी समय से मैं अपना ओपिनियन रखने की कोशिश कर रही हूँ, आप कृपया शांति से सुनेंगे। आप जनता को बताइए, मुझे मत बताइए, जनता को बताइए, बताइए जनता को, बताइए जनता को, जनता को बताइए। देखिए, ये फोरम का मतलब, जनता को बताइए आप। आप डिस्कस करने के लिए कुछ बुलाते हैं तो आपको शांति से सुनना भी पड़ेगा। आप अपनी बात जनता को बताइए, आप यहाँ पर बताने के लिए आए हैं बोलने के लिए, आप बताइए, आप बताइए, जनता जानना चाहे। आपके पास एक मिनट है, सिर्फ एक मिनट, आप बताइए। मैं आधे मिनट में बता दूंगी, आप बताइए। आप जनता को, आप जनता को जवाब दीजिए। आप चिल्ला चिल्ला के अपने ओपिनियंस थोप रहे हैं, आप हम लोगों को कहने का मौका ही नहीं दे रहे। आप जनता को बताइए, जनता वांट टू नो, जनता जानना चाहे, आप बताइए जनता को। एक मिनट आपके पास, बताइए। अब इनको कौन समझाए कि बीइंग अ एंकर इनकी जिम्मेदारी बनती है? आप जनता को बताइए, आप जनता को बताइए, आप जनता को बताइए, जनता जानना चाहती है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर बैठी हुई है, जनता जानना चाहती है, आप बताइए जनता को। निहायत ही बेवकूफ व्यक्ति है, आप बताइए जनता को, आप जनता को बताइए, जनता को बताइए, जनता जानना चाहती है, जनता को बताइए, जनता को बताइए। चली गई, जवाब नहीं आता, जनता को बताइए, बताइए जनता को। इसी बात की पगार मिलती है, इसीलिए चिल्लाता हूं, जनता को बताइए, बताइए जनता को, जनता को बताइए।